नमस्कार बच्चों, आज हम हमारे हिंदी के टॉपिक अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज। ठीक है बेटा, अनसीन पैसेज जो हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं उसे, जिसने अपने जिस पहले को हमने पहले नहीं पढ़ा होता है उसे अनसीन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो उसे पढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें जो भी पैरा एग्ज़ाम में आता है, पेपर में आता है, हमें उसे दो बार अच्छी तरह से रीड करना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए। ठीक है, उसके पर उसे पढ़ने के बाद उसके जो मेन आपको शब्द लगते हैं उसको नीचे अंडरलाइन करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उस पैरे का शीर्षक मतलब टॉपिक ढूंढना चाहिए। ठीक है, उसे टॉपिक को ढूंढने के बाद हमें जो उसके नीचे प्रश्न दिए जाते हैं उन प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और उनके आंसर देने चाहिए। ठीक है, तो आज हम पैराग्राफ करते हैं, ध्यान से पढ़ो। देखो, सुबह की सैर व्यायाम करने का एक आसान एक सस्ता तरीका है, इसे अमीर गरीब सभी आसानी से अपना सकते हैं। सुबह हवा ताजी होती है, रोगों को दूर रखती है, सैर हमारे बढ़ते वजन को घटाती है। सुबह की सैर के अनेकों फायदे हैं। ठीक है, क्या है इसका मतलब? इसका शीर्षक टॉपिक क्या निकला? सुबह की सैर। सुबह की सैर के हमारे जीवन में क्या फायदे हैं, ये इससे हमें क्या मिलता है, ये हमें इसके इस पैराग्राफ में दिखाया गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका शीर्षक क्या निकाला? सुबह की सैर। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन में आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे सुबह की सैर से हमें क्या मिलता है? सुबह की सैर करने से हमें हवा ताज़ी मिलती है, सुबह ताज़ी हवा मिलती है। ठीक है, सेकेंड यह, सुबह की सैर से हमें किस चीज़ से मुक्ति मिलती है? सुबह की सैर से हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। इससे सुबह की सैर करने से हमें क्या फ़ायदे हैं? सुबह की सैर करने से हमारे वजन में, मतलब हमारा वजन, सुबह की सैर हमारे वजन को घटाती है और इसके हमें अनेकों फायदे हैं। ठीक है बेटा, ये तो था आपका अनसीन पैसेज। इसके बाद हम आज एक और टॉपिक यानी हमारा बुक का चैप्टर नंबर 8 आनंद ही आनंद के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इस चैप्टर में क्या दिखाया गया है कि इस चैप्टर में आपके जैसे दो बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ यू यानी चिड़ियाघर घूमने जाते हैं। वह अभी चिड़ियाघर के नज़दीक ही होते हैं तो वह क्या देखते हैं, वहाँ उन्हें चिड़ियाघर से शेरनी के गरजने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वह देखते हैं एक तरफ एक आदमी अपने बच्चों को लेकर भाग रहा, बाहर आ रहा है, उसकी पत्नी भी उसके साथ है। तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि चिड़ियाघर से इतनी ज़ोर ज़ोर से शेरनी की गरजने की आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो क्या होता है, दो दिन बाद वह चिड़ियाघर थोड़ा बहुत देख कर वापस चले जाते हैं। दो दिन बाद उसके दादाजी जो कि अखबार, सुबह का अखबार पढ़ रहे होते हैं, वो उन्हें बताते हैं कि ये देखो आज अखबार में उसी शेरनी की फ़ोटो छपी है जो एक पिल्ले के साथ खेल रही है और बहुत खुश दिखाई दे रही है। तो उसमें क्या होता है, वो जो शेरनी है, शेरनी के पास एक पिल्ला, मतलब पिल्ला मीन्स कुत्ते का बच्चा, खेलते खेलते हुए उसके पिंजरे में आ जाता है। वह उसके ऊपर, शेरनी सो रही होती है, वह उसके साथ उसके ऊपर नीचे कूदता है और खेलने लग जाता है। जब शेरनी की आँख खुलती है तो वह उसे प्यार करने लगती है, वह उसे मारती नहीं है, वह उसे प्यार करने लग जाती है, जिससे कि शेर और शेरनी और उस कुत्ते के बच्चे में आपस में, मतलब एक प्यार सा अटैचमेंट, प्यारा सा अटैचमेंट हो जाता है। ठीक है, बट वहाँ के जो चिड़ियाघर के रखवाले होते हैं वो क्या करते हैं कि कहीं शेरनी इस कुत्ते को, बच्चों को, बच्चे को मार ना दे, इसीलिए वह डरते हुए जब शेरनी मांस का टुकड़ा खा रही होती है तो वो बचाकर उस कुत्ते को, कुत्ते के बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वह शेरनी मतलब उसे ढूंढती है, वह गरजने लग जाती है, बट
वो कुत्ते का बच्चा है जो वो भी वहाँ से भाग जाता है, चिड़ियाघर से भाग जाता है और चिड़ियाघर के सामने एक दुकान होती है, वहाँ पे उसका लड़का, दुकानदार का लड़का उसे पकड़ लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। तो वह भी वहाँ खुश नहीं होता, वह भी वहाँ पर खाना पीना नहीं खाता, बट फिर क्या होता है, वो चिड़ियाघर वाले रखवाले हैं जो रक्षक हैं वो फिर कुत्ते को ढूंढते हैं और उसी शेरनी के पास लाकर छोड़ देते हैं, जिससे शेरनी फिर चुप हो जाती है, शांत हो जाती है। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में क्या दिखाया गया है कि एक शेर, हम कहते हैं ना शेर बहुत खूंखार होता है, नहीं, उसमें भी एक माँ की ममता होती है जिससे क्या वो कुत्ते को, कुत्ते के बच्चे को भी बहुत प्यार करती है। ठीक है बेटा, थैंक यू।